नमस्कार, जय हिंद प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इंडियन पॉलिटी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था जिम लक्ष्मीकांत सर की बुक के अनुसार पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हमने पहला अध्याय समाप्त किया है। तो आप लोगों ने पहले अध्याय को पसंद किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे अध्याय में, जिसका नाम है संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हालाँकि यह मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अध्याय का पहला पार्ट होगा, तो इसमें हम लोग न केवल चीज़ों को पढ़ेंगे, इसके अलावा पिछले वीडियो में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है उनसे जुड़े हुए कुछ यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो यह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली वे बुक पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें ना तो सिलेबस के बारे में कुछ ज्ञान होता है और ना ही वह लोग कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी को प्रारंभ करें तो सबसे पहले आपको उस पेपर के सिलेबस के बारे में भलीभांति पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रश्नों को इसी प्रकार से चलाया जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जितने लाइक आएंगे उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है कि वीडियो के साथ ही हम प्रश्नों को डिस्कस करें। और ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो सीरीज है यह मुख्य रूप से यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए है। इसके अलावा और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के हों, बैंक के हों, एसएससी के हों या फिर लेखपाल के हों, इन सब परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम था उनमें कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं या हैं। अब आइए विशेषताएं आपके सामने हैं। पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वय शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये हमारे तीन वाक्य दिए गए हैं इन तीनों में से कौन 1919 के भारत शासन अधिनियम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, प्रांतों में द्वय शासन की जो व्यवस्था है वह शुरू हुई थी इसी के दौरान। मैंने आपको बताया था कि 1919 में आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय इस प्रकार से दोनों को अलग किया गया था। तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हमारा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो दूसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि मुस्लिमों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी यह 1909 में की गई थी। 1919 में जो हुआ था उसमें आंग्ल भारतीय, ईसाई, सिख, इन सब के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो दूसरा हमारा हो जाएगा गलत। और तीसरा हमारा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हस्तांतरण जो अलग किया गया था आरक्षित, उसमें जो हस्तांतरण था उसमें ये विधान परिषद के प्रति जिम्मेदारी इनकी होती थी। तो इसीलिए जो हमारा तीसरा होगा ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा करेक्ट होगा और इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आपने इसको समझा होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यह भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो जो हमारे यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हुआ है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अध्याय 13 में। लेकिन पूछा गया है कि ये जो विभाजन हुआ है और भारतीय संविधान में शामिल किया गया है यह किस अधिनियम पर आधारित है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा भारत सरकार अधिनियम था 1935, इसके लगभग 250 आर्टिकल को एज इट इज हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 यानी कि 1996 में पूछा गया था। आइए इसके बारे में भी
बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले वीडियो में कि जो हमारे यमेन राय थे 1934 में इनके द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था या इनके द्वारा मांग की गई थी। और ये मुख्य रूप से प्रखर हमारे एक नेता थे वामपंथी आंदोलन के, साथ ही साथ स्वराज पार्टी से भी ये जुड़े हुए थे। तो कह सकते हैं कि स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा का विचार किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये तीन प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसीलिए हमने इनको डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। संविधान सभा की मांग के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एमएन राय महोदय ने किया 1934 में। उसके बाद में जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वर्तमान में जो कांग्रेस है, इसी पार्टी की बात हो रही है, 1935 में इसने कहा। और उसके बाद में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, 1938 में इन्होंने भी स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग की। तो ये चीज़ें हैं, 1934 में एमएन राय ने, 1935 में कांग्रेस ने मांग की थी संविधान सभा के गठन की। और इस समय जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा था कि ये जो संविधान सभा होगी यह वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी और इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें अंग्रेज हमारे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि कौन मेंबर होगा, कौन सदस्य होगा, इस प्रकार से हस्तक्षेप करने का अधिकार उन्हें नहीं होगा। तो ये मांग इन्होंने रखी थी। बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है 1940 में। और 1940 में जो ये स्वीकार किया जाता है जवाहरलाल नेहरू की मांग, इसी को हम लोग कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा की मांग के लिए शर्तें थीं वह शर्तें ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं। और आगे चल करके 1942 में क्रिप्स महोदय आते हैं ब्रिटेन से और इन्होंने संविधान किस प्रकार से निर्मित होगा उसका एक प्रारूप इन्होंने दिया था। जैसे घर के हमारे डिज़ाइन होते हैं, घर के नक्शे होते हैं कि इस प्रकार से आप घर बनवाएंगे या और बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे, तो उसी प्रकार से एक प्रारूप के साथ क्रिप्स 1942 में भारत में पहुँचे। आगे की स्टोरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो हुआ क्या कि क्रिप्स महोदय जब भारत में पहुँचे, इन्होंने अपना मॉडल दिखाया कि ये है हमारा मॉडल और इसी के अनुसार आप लोग गठन कर लीजिए। तो हुआ क्या कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें ये मॉडल स्वीकार नहीं है। उनसे पूछा गया क्यों नहीं स्वीकार है, तो उन्होंने कहा कि भारत को दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान की उन्होंने मांग रखी और बंटवारे के बाद में दो अलग अलग हमारी संविधान सभाएं बनेंगी और उस प्रकार से दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान होगा। तो ये मांग रखी थी मुस्लिम लीग ने क्रिप्स के सामने। क्रिप्स महोदय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही एक मंत्री आप कह सकते थे। तो दो संविधान सभाओं की इन्होंने मांग रखी थी और इनकी जो यह मांग थी वह ठुकरा दी गई किसके द्वारा, क्रिप्स महोदय के द्वारा। बाद में एक दूसरा आता है जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान के निर्माण की एक नई योजना आई कि इस प्रकार से अब नए संविधान का निर्माण होगा और इस योजना को मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब हमारी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जा करके नवंबर 1946 में संविधान सभा का हो जाता है गठन। अब संविधान सभा का गठन हो गया है तो आइए चलिए देखते हैं कि इस संविधान सभा की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें सदस्यों की संख्या थी 389। कितने, 389 मेंबर थे हमारे उस संविधान सभा के, जिसमें से 296 हमारे ब्रिटिश भारत के थे, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिन पर डायरेक्ट रूप से रूल था अंग्रेजों का, 296 वहाँ से थे। और 93 हमारे थे देसी रियासतों से। कहाँ से, देसी रियासतों से थे। इनमें से 296 में से 292 का जो चयन था यह 11 प्रांतों के गवर्नरों के द्वारा किया जाना था।
किनके द्वारा, 11 प्रांतों के गवर्नरों के द्वारा। और इसके अलावा जो चार बच रहे हैं उनका जो चयन था वह मुख्य आयुक्तों के द्वारा किया जाना था, यानी कि उसी प्रांत के जो मुख्य आयुक्त थे उनके द्वारा चार का चयन किया जाना था। तो ये थी इसकी पहली विशेषता, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि जितने भी प्रांत थे या जितने भी देशी रियासतें थीं उनको उनकी जनसंख्या के अनुसार सीटों का बंटवारा किया गया था, यानी कि उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, कितने उनके प्रतिनिधि होंगे, यह डिपेंड करता है कि उनकी जनसंख्या कितनी है। और आप कह सकते हैं कि प्रति 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रखा गया था, यानी कि मान लीजिए किसी प्रांत की जनसंख्या 30 लाख के आसपास है तो वहाँ से कुल मिलाकर के 3 सदस्य जाएंगे संविधान सभा में। अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रांत थे यानी कि जो 296 मेंबर आने थे उनकी सीटों का निर्धारण जो होना था उसके लिए 3 समुदाय थे। कौन कौन से? एक तो हमारे थे मुस्लिम, एक हमारे से थे सिख और अगले हमारे थे कौन, सामान्य। कौन कौन थे? ये 3 समुदाय थे जिनके द्वारा इसे स्वीकार किया जाना था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश प्रांत में सीटें आवंटित की गई थी उनका निर्धारण इन्हीं के आधार पर होना था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो तीसरा हो गया। उसके बाद में चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो चौथी विशेषता ये कहती है कि जो यहाँ पर लोगों का चयन किया जाना था वह होना था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा इनका चयन होना था या इनका चयन हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे प्रतिनिधि थे अन्य स्थानों के वहाँ पे जो हमारी प्रांतीय विधानसभाएं थीं, कौन सी थी? प्रांतीय विधानसभाएं, वहाँ से लोग चुने गए थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के बारे में तो पांचवी विशेषता ये थी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन उनके प्रमुख का द्वारा किया गया था, यानी कि जो देशी रियासतों के उस समय राजा थे उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा कि ये हमारी तरफ से जाएंगे संविधान सभा में। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर भेज दिया और जितनी भी और हमारी थी ब्रिटिश भारत में वहाँ पर विधानसभा के जो मेम्बर थे उनके द्वारा चुना गया था, किसको? उनके रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नोट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे मेंबर थे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था परंतु इनमें सभी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था लेकिन जितनी भी हमारी यहाँ पर जातिगत विशेषता थी सभी जातियों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। ऐसा नहीं था कि केवल सामान्य या हिंदू हो गए या मुस्लिम ज़्यादा हो गए, जैसी जाति थी जैसे जात के लोग थे उसी के अनुसार संविधान सभा में उनको नामांकित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बात करें तो संविधान सभा की हम लोग बात करेंगे कार्य प्रणाली के बारे में, यानी कि वर्किंग सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस प्रकार से हमारी संविधान सभा ने कार्य किया था। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो पहली बैठक थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया कि यहाँ पर भी इसका बहिष्कार कर दिया और फिर इन्होंने कहा कि हमें एक नया देश दो, क्या करो, हमें एक नया देश दो। तो इसी के चलते इन्होंने बहिष्कार कर दिया और कुल मिलाकर के 211 मेंबर ही अटेंड किए थे इस संविधान सभा को पहली बैठक में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फ्रांस में जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो वहाँ पर एक नियम था कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो भारत में भी जब पहली बैठक हुई तो उस समय जो हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा और वही हमारे यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में जब इसकी कार्यप्रणाली प्रारंभ होती है तो अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद उपाध्यक्ष जो दो लोग हुए थे उनमें एक थे डॉक्टर एससी मुखर्जी और दूसरे हमारे थे बीटी कृष्णमाचारी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा संविधान सभा था
उसमें हिंदुओं की तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से, सिखों की तरफ से, पारसियों की तरफ से, आंग्ल भारतीय की तरफ से, भारतीय ईसाइयों की तरफ से, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी जातियों के प्रतिनिधित्व को यहाँ पर शामिल किया गया था, यानी कि सभी जातियों के लोग शामिल थे। इसके अलावा इसमें महिलाएँ भी शामिल थीं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि महिलाएँ भी इसमें शामिल थी। आप कह सकते हैं कि उस समय हमारे भारत के जितने भी वरिष्ठ नेता थे या जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सारे लोग हमारे शामिल हुए थे संविधान सभा में, केवल एक को छोड़ करके। और वह महापुरुष कौन हैं? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया था। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर बात की। अब यहीं से जुड़ा हुआ हमारा एक प्रश्न है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। IAS प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित हुए थे। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी देसी रियासतें थीं वहाँ से जो लोग थे वे सीधे उनके राजाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे, लेकिन जो प्रांतों में संविधान सभाओं के सदस्य गए थे वे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है, आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि UPSC के पेपर में आपको ये टर्म बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सत्य है पूछा जा रहा है या सत्य नहीं है। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में जब हम परीक्षा में पहुँचते हैं या पेपर देखते हैं तो हम एक ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है पूछा जा रहा होगा सत्य है, तो वहाँ पर हम गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ध्यान से प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है UPSC के। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊँगा जब अलग से हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इलिमिनेशन के माध्यम से भी हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि सत्य नहीं है, पहला वाक्य आइए देखते हैं। पहला वाक्य कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया कि जब जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी थी 1938 में तो उन्होंने यही कहा था कि वयस्क मताधिकार पर ये आधारित होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि यह सत्य नहीं है, मतलब कि यह हमारा होगा सही। उसके बाद में वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह भी हमारा हो जाएगा गलत, यानी कि यह भी सत्य नहीं है क्योंकि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। उसके बाद में वह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे दलों के लोग इसमें शामिल हुए थे, यह अनेक समितियों के माध्यम से कार्य की थी। आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से समितियां बनी थी, जैसे हमारी थी संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, इनके कार्य क्या थे, तो इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं, तो इसमें तीसरा और चौथा सत्य है और पहला दूसरा हमारे हो जाएंगे असत्य। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो जो हमारे भारत की प्रस्तावना है वह कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। आप कह सकते हैं कि जो हमारा यह उद्देश्य प्रस्ताव था इसको देख करके आप यह समझ सकते थे कि जो हमारे भारत का संविधान होगा वह किस प्रकार से होगा, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसे देख करके आप जान सकते हैं। जैसे कि शादी होती है तो उसमें लड़की के भाई को जब देखते हैं लोग तो कहते हैं कि लड़की के भाई को देख करके ये पता लग सकता है कि दुल्हन कैसी होगी। तो कुछ उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो हमारी संवैधानिक संरचना होती है उसका ढांचा किस प्रकार से होगा, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी या किस प्रकार का वह संविधान होगा, यह सब डिपेंड करता है उस संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव पर। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव में यही चीज़ें बताई गई थी। बाद में जा करके 22 जनवरी 1946 को ये हमारा हो जाता है पास, सॉरी 1947 को, कब 1947 को ये हमारा पास हो जाता है।
और इसके बाद में हमारे संविधान में आगे की कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान के निर्माण में कि किस प्रकार से स्वतंत्रता अधिनियम आया था, संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करेंगे, अंतरिम सरकार के बारे में बात करेंगे और प्रारूप समिति जो इसमें विशेष है उसके बारे में चर्चा करते हुए इस अध्याय को हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय वह भी होने वाला है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सफल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।